चार बजे की मछली है हमारे पास। अच्छा, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश बिल्कुल, एक दो ये तीन और ये चार और माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश। रॉकेट लॉन्चर प्यार से नाम रखा है मैंने, रॉकेट लॉन्चर ऐसे व्हाइट कून है इसका, व्हाइट कून है। क्या किलो है ये? 1200 रुपए किलो माशाल्लाह, ये देखिए। अच्छा सर, हेलो माशाल्लाह, VIP आप समझे, समंदरी देसी मुर्गी है, समंदरी देसी मुर्गी, देसी मुर्गी है ये। क्या किलो है यार? 850 रुपए किलो है। वाह भाई वाह, ताजी मछली है। ये है बंगश, बंगश के दाने है भाई। ये खारा पानी मीठा पानी? मीठे पानी की बंगश है भाई, ये देखिए आप, मीठे पानी की, ये मीठा पानी जो है वो बोल रहे हैं यहाँ पर। ये तकरीबन 600 रुपए किलो है, ये देखो भाई 600 रुपए किलो, ये 600 रुपए किलो मीठे होते हैं इसके अंदर। हाँ, दो कांटे होते हैं। ये बाम मछली है, बाम है भाई। देखो बाम मछली सुनी होगी आपने शायद, देखो ये मीठे, ये होती है मीठे पानी की। हाँ, ये मीठे पानी, ये दुम मारती है जब पकड़ोगे ना तो ये चमाट मारेगी, यहाँ चमाट मारेगी। और इसमें देख रहे हैं कैसे कांटे होते हैं, ये देखो भाई, जब आप इसको कांटा मारोगे, जब उसको बाहर निकालोगे तो ये उल्टी मारती है आपको। ये सुरमई है, सुरमई किंगफिश, किंगफिश है, किंगफिश। क्या किलो है ये? 1200 रुपए, 1200 रुपए। ये है पल्ला, पल्ला, पल्ला सिंध दरिया ले आगे ₹1500 का ये पल्ला मछली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की एक बड़ी फिश मार्केट में। लेकिन सर्दियों की आमद आमद है और मछलियों का टाइम आ गया है और लोग सर्दियों में ही अमूमन मछलियाँ खाते हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि मछलियों को गर्मियों में भी खाना चाहिए, क्योंकि ये हेल्दी फूड होता है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है सेहत के लिए। ये एक बड़ी मार्केट है, यहाँ का रिव्यू करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन कौन सी नायाब मछलियाँ यहाँ पर आती हैं। और यहाँ पर आपको मीठे पानी की मछली मिलती है और खारे पानी की भी मिलती है। कुछ दुकानों का रिव्यू करते हैं, वो एड्रेस इसका बहुत ही आसान है। जब आप ज़ियाउद्दीन से आते हैं थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सीधे आपके ऊपर एक दूध की दुकान है, कुरेशी मिल्क शॉप। से आप अंदर आएंगे तो तीसरी गली के अंदर आपको ये मछली मार्केट मिलेगी। इस पूरी मार्केट का रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी नायाब मछलियाँ इस वक्त मूसा कॉलोनी की फिश मार्केट में आई हुई है और क्या किलो है, कौन कौन से नाम है उस मछलियों के, तमाम चीज़ आपके साथ दिखाते हैं। यो भाई, मूसा कॉलोनी की बड़ी फिश मार्केट की एक बड़ी दुकान है, यहाँ पर काफी नायाब मछलियाँ भी हैं, मीठे पानी की भी है, खारे पानी की भी। भाई से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कौन कौन सी मछलियाँ आपके पास है? हमारे पास तो बहुत सारी मुख्तलिफ मछलियों की नाम है, मैं आपको यहाँ से शुरू करवाता हूँ। शुरू कराया जरा, क्या है? जैसे माशाल्लाह इसको बोलते हैं हम रॉकेट लॉन्चर, प्यार से नाम रखा है मैंने, रॉकेट लॉन्चर। जैसे व्हाइट कून है इसका, व्हाइट कून है। क्या किलो है ये? 1200 रुपए किलो माशाल्लाह, ये देखे। अच्छा सर, हेलो माशाल्लाह, VIP। इसमें दो किस्म की कौन होती है जी? मैं दिखा देता हूँ, दूसरी वाली भी दिखा देता हूँ मैं। दूसरी दिखा, ये दूसरी वाली, ये है। ये क्या चीज है भाई? ये ब्लैक कोन है। ये ब्लैक कोन है जी। अच्छा, ये क्या किलो है? ये 600 रुपए किलो, तकरीबन 500 रुपए में मिल जाएगा। अच्छा, जायका किसका अच्छा होता है? उसका, इसका, दोनों का, दोनों का। ये क्या है? ये सारम है। ये सारम जी, इसके आप फिंगर बोनलेस बनाए बेहतरीन। अच्छा, ये क्या किलो है? शाइलिंग देखे, मछली खुद बताएगी कि मैं कितनी ताजी। अच्छा भाई, ये क्या किलो है? हमारे पे एले मंडी का माल आता है शाम 4 बजे। ठीक है, किलो है ये 600 रुपए किलो, 600 रुपए। ये तलापिया फिश है। क्या चीज? तलापिया, तलापिया। ये क्या है भाई? ये देखे, ऐसे होती है। अच्छा, ऐसे होती है जी, ऐसे कौन? क्या बात है, देख रहे? ये क्या किलो है? ये 500 रुपए किलो है। ये क्या है? नहीं नहीं, कुकड़, कुकड़ आप समझे, समंदरी देसी मुर्गी है, समंदरी देसी मुर्गी, देसी मुर्गी है। ये क्या किलो है? यह 850 रुपए किलो है। ये क्या है? ये डांगरी है, इसको ढाई बोलते हैं, ढाई, इसको बोलते हैं ढाई, ढाई बोलते हैं इसको, ढाई, ढाई। क्या किलो है? मगर ये डांगरी के नाम पर बिकता है, मगर ओरिजिनल नाम जो है उसका ढाई होता है। क्या किलो है? सही है, ये आपको पड़ेगा 1200 है, 1200 रुपए किलो। कांटे कितने होते हैं इसके अंदर? बीच की एक कंगी होती है, एक कंगी, एक कंगी होती है, और उसका गोश्त भी ऐसा होता है अंडे। ठीक है, रोहू क्या है? ये रोहू है, रोहू है भाई। देखो भाई, ये कतला मछली है, इसको बोलते हैं कतला। ये मीठे पानी की, ये मीठे पानी की जो है वो बोलते हैं यहाँ पर। ये तकरीबन 600 रुपए किलो है। ये देखो भाई, 600 रुपए किलो, ये 600 रुपए किलो। कांटे होते हैं इसके अंदर? हाँ, दो कांटे होते हैं, दो कांटे होते हैं। 4 बजे की मछली है हमारे पास। अच्छा, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश बिल्कुल, एक दो ये तीन और ये चार और माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश। क्या किलो है ये? ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, ये 1200 रुपए किलो है। ये क्या चीज है? ये सुनाब पापलेट है, लोकल पापलेट बोलते हैं, लोकल पापलेट है, मगर इसका ओरिजिनल नाम जो है सुनाब और पापलेट। क्या किलो है ये? ये 800 रुपए किलो, ये भी ताजा है, ताजा है बिल्कुल। अच्छा, ये भी ताजा है, ये देखो, सही है। और ये क्या है? झींगा वींगा भी आपके पास? हाँ, झींगा है, पौन है, पौन। ये क्या है भाई? पौन, ये क्या साहब है?
ये 1300 रुपए किलो, 1300 रुपए किलो मीठे पानी खारे पानी नहीं, समंदर हमारे पास टोटल समंदर जो है, और ये जेरा है। अच्छा जी, और ये क्या चीज है? ये व्हाइट पापलेट है। ये व्हाइट पापलेट है जी, देखे कैसी है। वाह यार, इसको तल के खाओ मसाला लगा के ना। जी बिल्कुल जबरदस्त, नमक लगा के कोयले के ऊपर वैसी खाई है इसको, इतनी फ्रेश है। फ्रेश है क्या? किलो आके देख रहे कैसे चमक रही है। हाँ, क्या किलो देखे है? क्या किलो? ये 2200 रुपए किलो है। 2200 रुपए किलो है। और क्या क्या है बताओ जरा? तकरीबन 2200 है, मुनासिब भी हो जाता है 2000 रुपए में। और क्या है ये मीठा पानी का? क्या है ये? बाम मछली है। बाम है भाई, देखो बाम मछली सुनी होगी आपने शायद। देखो ये मीठे, ये होती है मीठे पानी की। हाँ ये मीठे पानी, ये दम मारती है जब पकड़ोगे ना तो ये चमाट मारेगी। यहाँ चमाट मारेगी और इसमें देख रहे कैसे कांटे होते हैं। ये देखो भाई, जब आप इसको कांटा मारोगे, जब उसको बाहर निकालोगे तो ये उल्टी मारती है आपको, उससे बचना होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही। ये देखो भाई, ये क्या है? ये भी वही है, ये भी सारा ही है। बाकी झींगे रखे हुए हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये है पल्ला। ये क्या है? ये सुरमई है। सुरमई किंगफिश, किंगफिश है। किंगफिश क्या किलो है? 1200 रुपए। 1200 रुपए ये है पल्ला। पल्ला, पल्ला सिंदरिया ले आके खिलाऊंगा तुझे पल्ला। ये वही है, ये वही है। ये एक पीस ये 1500 रुपए का, एक पीस 1500 रुपए का ये पल्ला मछली जी। ये बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी है। गर्म तो नहीं होती है मगर बहुत अच्छा होता है इसका जायका, टेस्ट बहुत। देखो भाई ये पूरी एक मार्केट है, यहाँ पर कुछ ताजी मछलियां देखो, ये देखिए जिंदा भी है हमारे, जिंदा जिंदा तैर रही है। ये देखो भाई, ये देखो भाई, देख रहे ये जिंदा मछली है, मीठे पानी की है। मीठे पानी की, पानी क्या किलो है ये? ये बोला छेड़े नहीं मुझे, देखो छेड़े छेड़े नहीं कोई मुझे। ये देखो, ये देखो अरे छेड़े भाई, देखो ये बड़ी मार्केट है और एक बड़ी मार्केट की एक बड़ी दुकान है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो उसका एड्रेस बहुत आसान है, मूसा कॉलोनी की फिश मार्केट, आप डालेंगे गोल के ऊपर जब भी आ जाएगी। आप अगर यहाँ आए तो आपको अच्छी और नायाब मछलियाँ मिलती है, मीठे पानी की भी होती है, खारे पानी की भी होती है। देखें पूरे, देखें पूरी बेहतरीन दुकान है ये। यहाँ भी देखें छोटी छोटी मछलियाँ रखी हुई है। लेडी फिश है, बम्बोर ये लेडी फिश है, लेडी फिश है, ये लेडी फिश है, लेडी फिश है। ये देखो भाई, ये क्या चीज है भाई? ये सुनाब पापलेट है। क्या ये सुनाब पापलेट? सुनाब पापलेट, ये क्या किलो होता है ये? ये तकरीबन 600-700 रुपए किलो है। 600-700 रुपए किलो है ये? वाह, तो इसमें क्या इतना सस्ता क्यों है? ये नायाब मछली है भाई, सस्ता क्यों है ये? अभी ऐसी सस्ता है। कांटे कितने होते हैं इसके? एक कांटा होता है। और ये क्या है? ये काला कुंद है। अच्छा, एक सफेद कुंद होता है, ये काला कुंद है। ये काला, इसकी क्या मतलब, क्या खासियत क्या है काला कुंद? ये हम कहाँ से पहचानेंगे इसको? और ये शाइन थ्री की तरह दिख रहा है इस वजह से। अच्छा, क्या किलो है ये? ये तकरीबन 550। 550 रुपए किलो है। अच्छा, आपके हाथ में क्या चीज है? मैंने तो ये उडली लिया हुआ है। क्या उडली? उडली धोता। ये क्या होता है? दो नंबर धोता है। दो नंबर भी आता है क्या समंदर में? दो नंबर ही है? नहीं यार, ये नाम किसने रखा है? दो नंबर एक नंबर, ये पुराने लोगों ने रख दिया है। हाँ, पुराने जमाने से चलता है। अच्छा, इसका कलर मिलता जुलता होगा? हाँ, कलर मिलता है। क्या किलो है ये? ये तकरीबन 600-700-800 जिसको और क्या है आगे आओगे जितने में टिका सकते हो। ये क्या है भाई? ये गिस्सर है, कमांडो। ये देखो भाई, क्या है ये? कमांडो गिस्सर। कमांडो गिस्सर, कमांडो क्यों है ये? जबान भी खोली हुई है इसने। देखो भाई, जबान भी खोली हुई है इसने। क्या किलो है ये? ये 800 रुपए किलो। और ये क्या किलो है बताओ इसका? ये कनर्चा है, रेड स्नैपर। रेड स्नैपर, लेकिन ये एक नंबर हीरा नहीं है। ये भी एक नंबर नहीं है? हाँ, ये कॉपी है भाई, ये कॉपी है। देख लो यार, ये लोग कैसे पहचानेंगे कॉपी है? ये कलर देख लो, ये एक नंबर हीरा। अच्छा, अभी मैंने पहले उठाया था हीरा, अभी दोबारा उठा दो, दिखा दो। देखो ये, देखो ये एक नंबर है। हाँ, ये वाला हीरा, ये भी हीरा ही है, मतलब कॉपी है। कॉपी कहाँ से आ रही है? ये देखो, ये मैं उठाता हूँ। ये देखो भाई, ये भी एक नंबर नहीं है, ये भी एक, ये भी कॉपी है। देखो भाई, ये लाल हीरा जो होता है ना, वो एक नंबर नहीं होता, और जायके में होता है, जायके में अच्छा है। रेट में फर्क है, रेट क्या किलो है ये? ये 900 रुपए किलो है, ओरिजिनल हीरा जो है 1200-1000। अच्छा, ये देखे भाई ओरिजिनल है। बाकी ये क्या चीज है भाई? ये रामस है, रामस। ये देखो भाई, ये रामस इंडियन सेलमैन। हां, इंडियन सेलमैन। ये क्या किलो है? ये 1000 किलो है। 1000 रुपए किलो। वाह भाई, देखो भाई, ये एक चीज आपको और दिखाते हैं, इधर आओ। ये क्या है भाई? ये आमरस है। ये देखो भाई, माही, इतनी बड़ी मछली। हाँ माही, इससे भी बड़ा होता है। अच्छा, ये देखो, ये देखो, यहाँ दिखाओ इसका मुंह दिखाओ। ये बहुत ही नायाब नस्ल की मछली है। ये देखिए क्या किलो होता है ये? ये 600 रुपए किलो है। 600 रुपए किलो है, सस्ती है। अच्छा, ये बताओ, ये इतना बड़ा पीस है, ये कितने किलो का होगा? ये तकरीबन 6-5.5 किलो। ये क्या है? ये व्हाइट कुंद है। कितना बड़ा कुंद? ये देखो, बारा गोंडा। ये कम से कम भी 4 फीट का कुंद है, 3 फीट का। क्या किलो होगा? नाप लो ना, ये देखो। अबे नहीं, तुमसे क्यों नाप रहे हो?
क्या किलो है भाई ये? कितने फीट का? क्या किलो है ये? 1000 रुपए किलो है। 1000 रुपए किलो है। बाकी देखें भाई, बहुत सारी मछली आओगे ना, अगर मार्केट में आओगे तो रेट मुनासिब हो जाएगा, ऐसी कोई बात देखो भाई, रेट मुनासिब हो जाएगा, ऐसा नहीं है जो ये रेट बता रहे हैं उसी रेट में मिलेगी चीजें। तो मजीद कुछ दुकानों को और देखते हैं। यार ये क्या चीज़ है? ये झींगा है। ये कौन सा पानी का? मीठे खारी? ये समंदरी झींगा है, इसको बोलते हैं चेरा। चेला बोलते हैं इसको, चेरा। अच्छा, और ये क्या चीज़ है? ये व्हाइट पापलेट है। दिखाएं दिखाएं, उठा के दिखाएं जरा। व्हाइट पापलेट एक रेट की मच्छी है। क्या किलो होता है ये? 1800 रुपए किलो। 1800 रुपए किलो है। अच्छा, इसका जायका वगैरह कैसा होता है, कांटे वगैरह? सफेद पापलेट है ना, नामी गिरामी मच्छी। क्या बात है भाई, ये देखिए। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये घरों पर है किसर। ये क्या चीज़ है? किसर। किसर, दिखाएं इसको, उठा के दिखाएं। ये देखें भाई, ये किसर है। वाह, क्या किलो होता है ये? 1200 रुपए किलो। अच्छा, दिखाएं ये खोल के, ये ताजी है। ऐसा पानी से निकला है। अच्छा, क्या किलो होता है ये? 1200 रुपए किलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सी मछली उठाई थी आपने? ये परी मछली है। परी? ये बड़ी खूबसूरत है ये तो यार, माशाल्लाह। क्या किलो है ये? ये 2000 रुपए किलो। ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर? कांटे बहुत होते हैं। ये खास बात है, जायका भी होता है ना भाई। अच्छा जी भाई, ये दिखाई, इसका मुंह बड़ा प्यारा है यार। अच्छा दिखाई, खोल के दिखाई, बिल्कुल ताजी है। आप करीब ले आएंगे तो पप्पी भी कर देगा। नहीं करो यार। वाह भाई वाह। अच्छा, ये बहुत कम पाई जाती है क्या? जी भाई, दिखाई इसका पीस, ये देखें भाई कितनी खूबसूरत है ये, आप देख सकते हैं। और एक इसका ये दिखाई, खोल के दिखाएं, ताजी है। ताजी होती है, ताजी है भाई, क्या बात है। अच्छा, और कौन कौन सी आपके पास? हमारे पास रेड स्नैपर है। रेड स्नैपर हीरा? जी भाई। ये क्या किलो है? ये आपको पड़ेगा 900 रुपए किलो। और ये क्या है? ये कतला मछली है। कतला? जी भाई। अच्छा, ये दिखाएं, ये क्या चीज है? ये मुल्ला मछली है। मुल्ला उठाएं जरा, मुल्ला को। मुल्ला मतलब? मुल्ला नाम है मछली का। नाम है, वाह यार क्या। शेरी है ये? जी। तो शेरी का जायका कैसा है? अच्छा मछली है, समंदर की सारी मछली अच्छी होती है, ताजी होनी चाहिए। इसका क्या किलो है इसकी? ये 700 रुपए किलो है। 700 रुपए किलो है भाई। अच्छा, और ये कौन सी है? ये सुरमई मछली है। सुरमई दिखाएं जरा। सुरमई का कांटे वगैरह कितने होते हैं? सुरमई में कोई कांटा नहीं होता है। अच्छा, उसकी क्या पहचान होती है सुरमई की? सुरमई का मुंह आगे से लंबा होता है। आगे से लंबा होता है। अच्छा, और ये क्या है? ये ब्लैक पापलेट। काला पापलेट? काला पापलेट। अच्छा, सुना है पापलेट के अंदर भी किस्में होती हैं? होती है, काफी सारी होती है। ये कौन सी किस्म है? ये काला पापलेट है, एक नंबर। एक नंबर है ये? जी भाई। क्या किलो है ये? तकरीबन 1200 रुपए किलो है। 1200 रुपए किलो? जी भाई, सही है। और ये क्या है? ये साफी मछली बोलते हैं इसको। साफी? जी। क्या किलो होती है ये? ये 600 रुपए किलो होती है। सस्ती है ये? सस्ती होती है। और ये कौन है? ये व्हाइट कून। व्हाइट कून है ये? क्या किलो है ये? ये कून 900 रुपए किलो है भाई। 900 रुपए किलो है ये? जी। इसके बाद झींगा भी है। झींगा क्या किलो है? प्रॉन। ये आपको 1000 रुपए किलो में मिलेगा। 1000 रुपए किलो? जी भाई, सही है। ये क्या चीज है? ये भी हीरा मछली है, बड़ी वाली। दिखाई जरा बड़ा, क्या पीस है भाई, क्या बात है। वाह, ऐसे रहो। ये क्या किलो है भाई इतना? ये 1200 रुपए किलो है भाई। ये इतना लाल क्यों हो रहा है? कुदरती लाल है, अल्लाह ने बनाया भाई। कुदरती लाल है? हाँ, मतलब इतना लाल होता नहीं है वैसे। क्या बात है यार। ये क्या किलो है? ये 1200। 1200 रुपए किलो है। ये देखिए, और ये क्या है? ये भी आपको बताया ना, कतला मछली है। कितना अच्छा कतला है। ये पापलेट दिखाई, ये पापलेट 2 नंबर जाली पापलेट है। जाली होता है? जी भाई। जलेबी होता है ये? पापलेट नहीं है ये ओके है। ये ओके है भाई, ब्लैक पापलेट। ठीक है, तो आप अगर यहाँ चाहते हैं जरूर आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बटन दबाएं, और जो फेसबुक के फॉलोवर्स हैं वो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।